नमस्कार दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है। आगे तो जा रही है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में जा रही है किसी को घंटा पता नहीं। मेरा नाम है प्राश, आप देख रहे हैं एंग्री गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अरे वो आस्थमा का बाइक कौन लेके गया बे? जब स्मार्टफोन्स 10-12 साल पहले बाजार में आए थे, तब मैं मानता हूँ कि वो स्मार्टफोन थे, स्क्रीन टच, मल्टीफंक्शन, बिगर डिस्प्ले स्मार्टफोन। और आजकल की फोन कंपनी, अरे ऐसा लगता है इनके सारे इंजीनियर्स को पागल कुत्ते ने काट खाया। टेक्नोलॉजी के नाम पे फीचर्स बढ़ाए नहीं, गायब किए जा रहे। सबसे पहले इन्होंने निकाला बेजललेस डिस्प्ले। बेजललेस डिस्प्ले मतलब फोन में से बेजल गायब करके स्क्रीन की साइज बढ़ाना। वो कुरकुरे के पैकेट में 10 ग्राम हवा भरकर 20% एक्स्ट्रा लिखकर हम कैसे खुश होकर खरीद लेते थे। लगता है ये स्मार्टफोन वाले आजकल चिप्स और कुरकुरे का फॉर्मूला यूज करने लगे। मुझे बताओ, अगर तुम शादी के लिए लड़की देखने गए और लड़की का माथा और पैर गायब है, क्या तुम्हें लड़की पसंद आएगी? चुड़ैल लगेगी। फिर इन्होंने फोन में से 3.5 mm का हेडफोन जैक गायब कर दिया। नहीं, किसको पूछ के गायब किया? छड़ीला, हाथ आगे कर। साला, अब गाने सुनने के लिए मेरे हेडफोन को कहाँ घुसेडूं? अगर तुम्हारे पिछवाड़े से छेद ही गायब कर दिया जाए तो टट्टी कहाँ से करोगे, बताओ मुझे? और कोई वायरलेस छेद भी काम नहीं आएगा उस टाइम। वो बेचारे फ्रंट कैमरे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पहले जहाँ था वही से अच्छा वाला सेल्फी खींच रहा था। किसी ने उसको निकाल के साइड में डाल दिया, किसी ने ऊपर डाल दिया, किसी ने डिस्प्ले के अंदर ही डाल दिया, एक को तो गोल गोल घुमा दिया। नहीं, मुझे बताओ, अगर तुम्हारी आंखें कान में से बाहर आए, या सिर में से बाहर आए, या चेहरे के अंदर छुपा दी जाए तो अच्छा लगेगा? एलियन की औलाद लोगोगे? और तो और, फोन को भी पतला करते जा रहे हैं लोग। थोड़े दिनों में इतना पतला फोन आएगा मार्केट में, तुम उससे रसोई में कांदा छील सकोगे मालूम। इसी को तो बोलते स्मार्टफोन मल्टीफंक्शन टेक्नोलॉजी। जब फोन में से गायब करने के लिए इनके पास कोई भी चीज बची नहीं, तो इन लोगों ने फालतू में चीजों को ऐड करना शुरू कर दिया। वो पहले फोन में पीछे एक कैमरा था जो अच्छी खासी फोटो खींच लेता था, फिर दूसरा कैमरा लगा दिया। सोचा, ठीक है चलो, अकेला बोर हो गया होगा तो दूसरे का साथ मिलेगा। फिर आया तीसरा, फिर चौथा, फिर आया फ्रंट में ड्यूल कैमरा। नहीं, तुम एक काम क्यों नहीं करते, पूरे फोन में कैमरा ही लगा दो। नहीं, इतना क्या जूम करना है तुम लोगों को धरकियो? मंगल ग्रह के एलियन को घपघप करते देखना चाहते हो क्या? मैं बोल रहा हूँ, वो नासा के साइंटिस्ट को सालों लग गए हॉरिजॉन टेलीस्कोप से ब्लैक होल ढूंढने में। अगर शाओमी से कॉन्टेक्ट करते तो फोन में 10-12 कैमरा लगा के ब्लैक होल के अंदर के यूनिवर्स के किसी प्लेनेट पर टट्टी करते बैठे हुए एलियन का HD फोटो निकाल के देते वो एक सेकंड में। नहीं, पहले के फोन क्या बेटर परफॉर्मेंस नहीं देते थे? जो फास्ट प्रोसेस के नाम पे रैम बढ़ाते जा रहे हो। वैसे भी दिन भर पबजी खेलना है तुम लोगों को, तो 16 GB रैम का क्या घर में अचार डालोगे? पहले 1-2 GB रैम के फोन आते थे जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते थे। फिर आया 4 GB, फिर 8 GB, 16 GB, 32 GB। थोड़े दिनों में 1000-2000 GB के फोन आएंगे मार्केट में। ऐसे लोग सर पर CPU बांधकर चलते नजर आएंगे बाजार में, जिसका कनेक्शन फोन में लगा होगा। मेरे PC का इतना रैम नहीं है जितना मेरे फोन का है। फिर वो नया स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आया मार्केट में, वो डिनर का बचा हुआ ड्रैगन भी डाल दो, उसे क्यों छोड़ दिया? स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, वैसे भी कोई काम धंधा बचा नहीं है उसके पास। नहीं, इतने फास्ट प्रोसेसर का फोन खरीद के तुम क्या करोगे? वो जॉनी सिंस और मिया खलीफा फास्ट तो नहीं हो जाएंगे? अरे स्टैमिना बढ़ाओ, रैम नहीं। एक टाइम था जब वो मोटे मोटे टीवी होते थे जिसपे हम शक्तिमान देखते थे। वो टीवी तो इतने मजबूत होते थे, मैंने खुद मेरी वीडियो में लोहे की बेसबॉल से टीवी फोड़ने की कोशिश की थी। टीवी तो नहीं टूटा, मेरा हाथ 2 दिन सूजा हुआ था। आजकल के पतले पतले जीरो फिगर टीवी देखोगे तो उसके सामने किसी ने पाद भी मार दिया तो क्रैक आ जाएगा। मैंने सुना है अब मार्केट में ट्रांसपेरेंट टीवी भी आ चुके हैं। यार, तुम लोगों को टीवी पे पिक्चर ही देखना है तो ट्रांसपेरेंट टीवी में देख के ऐसा कौन सा ऑर्गेजम आएगा बताओ? वो कॉन्डम छुपाने के लिए एक ही जगह बची थी, टीवी के पीछे। अब ट्रांसपेरेंट टीवी के पीछे कॉन्डम छुपा दिया और घर वाले जब नागिन देखेंगे तो नागिन के सर पे कॉन्डम अच्छा लगेगा क्या बताओ? ए जी, ओ जी, वो नागिन ने टोपी क्यों पहनी है? अब धूप लग रही होगी उसको। सब ट्रांसपेरेंट चाहिए तुमको, ट्रांसपेरेंट टीवी, ट्रांसपेरेंट फोन, ट्रांसपेरेंट नुनू भी लगा लो, सुसु भी बाहर निकलते हुए दिखेगा। हे हे हे, वो देख मेरा सुसु। कल मैंने YouTube पे देखा, वो एप्पल ने नया मैक प्रो लॉन्च किया है जिसके मॉनिटर का सिर्फ स्टैंड 80,000 रुपए का है। मैं एप्पल के CEO से एक बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा महंगा माल फूकते हो बताओ मेरे को? अरे यहाँ 80,000 में 2 नए कंप्यूटर खरीद सकता हूँ मैं। वो स्टैंड स्क्रीन को सहारा देने के लिए बनाया है या हमें बेसहारा करने के लिए पता नहीं। मैंने ये भी सुना है कि आने वाले जमाने में फोन तुम्हारे हाथ में, कान में या आंख में फिट कर दिए जाएंगे। नहीं, इतना क्या आलसी हो गए तुम लोग, एक हाथ में फोन नहीं पकड़ पाओगे? अगर फोन को आंख में फिट करोगे तो सिम कार्ड कहाँ पिछवाड़े में डालोगे? और नेटवर्क टावर के लिए क्या नुन्नू खड़ा करवाओगे 24 घंटे? साला गला बैठ गया मेरा। आजकल के नमूने बाहर घूमने जाते तो नेचर को अपनी आंखों से नहीं, फोन की आंखों से देखते, जिसके वजह से आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैरी पॉटर बन गए। नहीं, स्मार्ट नहीं, अंधे हो गए। मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा चश्मा लगाना पड़ता है। ये फोन टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग इतने अंधे हो चुके हैं, रास्ते पर किसी का एक्सीडेंट भी हुआ है, उसकी हेल्प करने के बजाय उसका वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डालना है हम लोगों को। क्यों? लाइक्स बढ़ाने। नहीं, अगर कल तुमको कोई रिक्शा कुचल के चली जाए और मैं अगर तुम्हारा वीडियो खींच के यमराज को व्हाट्सएप कर दूं तो अच्छा लगेगा। अगर कोई पिताजी लोग ये वीडियो देख रहे तो आपको एक निवेदन है कि अगर आपका बच्चा नया फोन खरीदने के लिए 25-30 हज़ार रुपए मांगे
क्यों? क्योंकि वो फोन सिर्फ बेजललेस है, तो उसकी गांड पे लात मार के घर से बाहर निकाल दो उसको। एक सेलफोन हमारे लिए होता है, हम सेलफोन के लिए नहीं होते। सुबह उठकर फोन का नोटिफिकेशन चेक करने की इतनी बुरी आदत लग चुकी है हमको कि किसी दिन अगर कोई नोटिफिकेशन ना दिखे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं पूरा दिन। आज इंसान इंसान से उतना बात नहीं करता जितना एक फोन और कैमरा से करता है। कट सर, कैमरे का बैटरी लो हो गया। अबे आउटरो तो देने दे। नहीं सर, बैटरी खत्म। साले भोपाली के दुकानदार ने सस्ती बैटरी पकड़वा दी, फोन किधर है मेरा? हाँ तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सर सर, क्राइम पेट्रोल नहीं चल रहा। हाँ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको और वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो। नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। I have you now.